परिचय देते हुए। मैं नितेश अग्रवाल समाज सेवी हूँ, सराफी का अध्यक्ष हूँ, आगरा व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज अग्रमाध्यम महिला मंडल द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। जैसा कि हिंदू धर्म में परंपरा रही है कि सावन के महीने में बहन बेटियों के अपने घर पर आना और उसके बाद उनके तरह तरह के त्यौहार और तरह तरह की परंपराओं का निर्वहन करते हुए रक्षाबंधन के पावन पर्व अपने भाइयों को राखी बांधना, इन्होंने ये सभी जो आयोजन है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से किए गए हैं। और ऐसी बच्चियाँ जिनका मायका किसी कारण से नहीं रहा या नहीं है वो उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर और सभी प्रकार की रस्में उनके द्वारा जो पूरी कराई गई हैं, मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें अतिथि के रूप में बुलाकर इस पावन काम में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया। और साथ ही शुभकामना देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को ये लगातार बरसात तक करते ही रहें और इस प्रकार की जो हमारी बहनें हैं उनको इस मंच के माध्यम से उनके मायके की अनुभूति कराते रहें। महिला मंडल की सचिव हूँ, यहाँ हम हर वर्ष ये अनाथ बेटियों का मायका कार्यक्रम करते हैं। अनाथ आश्रम में पड़ी बड़ी ये बेटियाँ जिनका कि मायका नहीं है, लेकिन सावन के महीने में हर बेटी का मन मयूरा पिया की याद दिलाता है, एक तड़फ होती है कि हमारे भी भाई हों, हम भी राखी बांधने जाएं। तो इसी समस्या को समझते हुए हम यहाँ पर रक्षाबंधन, हरियाली तीज और बेटियों को परिवार सहित बुलाकर उपहार सहित बुला। कार्यक्रम सजीव का अग्रमाध्यम मंडल का आज बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा गया, आप सभी ने देखा होगा। यहाँ समाज के बड़े लोग आए, उन्होंने अपनी अनाथ बेटियों से राखियाँ बनवाई, उन्हें बहुत प्यार दुलार दिया और आशीर्वाद दिया, और बहनों ने भी अपने भाइयों को दिल से आशीर्वाद दिया। और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम उन लड़कियों के रखे गए, जैसे भाभी अपनी नंदों को घर में बुलाती है या भाई जी का मायरा करके डांस उनका प्रस्तुत किया गया, शिवचंद जी का तांडा प्रस्तुत किया गया, उन लड़कियों का हर तरह से स्वागत किया गया और उनको प्यार सत्कार।